एवरीवन, वेलकम चाश नेम्स। आज हम नाइट आउट के लिए आए हैं और इस वक्त 1 बज रहे हैं रात के। वाइट नाइट का टाइम चल रहा है तो पूरे तरीके से अंधेरा तो नहीं होने वाला है और हम रहेंगे सुबह तक, तो आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा तब तक। और यहाँ ब्रिजेस जो है वो ओपन होती हैं रात को, तो वो व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। सो लेट्स गो। ये है विंटर पैलेस और इसे हर्मिटेज म्यूज़ियम भी कहते हैं। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई एक इंसान इस म्यूज़ियम में हर रोज़ 8 घंटे के लिए आए और हर एक चीज़ को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो आपको 15 साल लगेंगे इस पूरे म्यूज़ियम को घूमने के लिए और सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है। मतलब टूरिस्ट तो घूम ही नहीं सकता है, यहाँ के लोग भी कहते हैं हम भी आज तक सारी चीज़ों को हमने देखा नहीं है सही से। तो देखने में ही इतना बड़ा लग रहा है, अंदर से तो खैर बहुत ही बड़ा है ये। तो अमेजिंग व्यू आता है जब आप इसके करीब आते हैं, और चाहे इसका नाइट व्यू हो, डे व्यू हो, और हाल फिलहाल में जो यूरो 2020 का मैच हुआ था उसको भी यहाँ दिखाया था। लोग यहाँ पे पूरे गैदर होकर उन लोगों ने मैच देखा था यहाँ पे। तो ये सेंटर है सेंट पीटर्सबर्ग का और दिल भी है सेंट पीटर्सबर्ग का। तो अब विंटर पैलेस को क्रॉस करने के बाद अब हम जा रहे हैं न्यू रिवर की तरफ, जहाँ पे इस टाइम ब्रिजेस खुल जाती हैं। तो चलिए आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ मैं।
सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा उजाला हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स जा रही हैं, इस वजह से जो है ब्रिजेस खोल दिए गए हैं। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। जो ब्रिज मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, वो उसका नाम है पैलेस ब्रिज, और उसकी जो टाइमिंग है वो है 1:10 से लेके 2:50 तक वो खुलती है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाती है वापस, फिर वो 3:10 को खुलती है और 4:55 में बंद होती है। तो सारे ब्रिजेस की जो है कुछ ना कुछ टाइमिंग है, जितने भी यहाँ ब्रिजेस हैं, और तकरीबन जो है वो 22 ब्रिजेस हैं यहाँ पे। तो सारी की सारी तो नहीं खुलती हैं, लेकिन 10 ब्रिजेस तो खुलती हैं एटलीस्ट, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये ब्रिज जो आपको खुली हुई दिख रही है, ये वो नहीं है जो मैंने आपको रात में दिखाई थी, ये उसकी आगे वाली ब्रिज है। पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पे जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, और जो रात में भी ब्रिजेस पे आपको कुछ वीडियो दिख रही थी, तो सारी की सारी चीज़ जो है ना, ये यूरो 2020 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो फुल ऑन प्रमोशन चल रहा है यूरो 2020 का यहाँ पे। अब इस ब्रिज के बंद होने का टाइम हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट मैकेनिज्म है इनका। ये ब्रिज 100 साल से ऊपर पुरानी है, ये बनी थी 1912 से 1916 के बीच में, और इतने सालों में सिर्फ एक बार 2002 में ऐसा हुआ कि ब्रिज के जो है कुछ इशू हो गया था इसके इंजन में, तो शिप्स को पास करने में डिले हुआ था। पर उसके अलावा अगर आप देखें, इतनी पुरानी टेक्निक और इतनी ज़बरदस्त। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं, और ये हम फर्स्ट मेट्रो के लिए आए हैं, तो गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं। गेट खुलेगा 5:36 में, एग्जैक्ट 5:36 में ये गेट खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि हम फर्स्ट मेट्रो से जाने वाले हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पे, उम्मीद करते हैं कि आज शायद मेट्रो में कोई ना मिले तो हम आपको मेट्रो भी दिखा पाएँ। तो लेट्स प्रोसीड। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।